सही है यार, कौन है इसका, शक्ल तो देख लो। नेम सोन डोंग प्यो, ही कम्स इन टेलीविजन लाइक इन वेब सीरीज। लिदिया, लिया दिया, दोनों को कंबाइन करो तो लिदिया, ठीक है। वो BTS का कोई तो मेंबर है ना, वी नाम का, उसका वही बिल्डिंग है। हे गाइस, क्या हाल है, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में कोरिया सीरीज के। इस वक्त जैसे कि आपको पता है, मैं ग्योंगजू इलाके में हूँ और काफ़ी अच्छा दिन रहा, मतलब 3 दिन यहाँ पे बिताए पीस में, शांति में। वीडियोस भी ज़्यादा किया नहीं और घूमा इतना नहीं, मतलब जितना था उतना ही घूम पाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं ग्योंगजू में। और जो भी घूमा, आप सभी को पता है कि ग्योंगजू में आप क्या क्या देख सकते हो। और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह किया, हॉस्टल में बैठ के चिल किया, रिलैक्स किया, क्योंकि काफ़ी थक चुका था बुसान सोल इतना एक्सप्लोर किया। एनीवेज, आज वक्त हो चुका है कि वापस ग्योंगजू को छोड़ के सोल जाने का। वहाँ पे भी एक दो दिन बिताऊंगा, फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ के मेरे को सिंगापुर भी जाना है। एनीवेज, मैं बता रहा हूँ कि ये रही बस की टिकट जो मैंने कल ही खरीद ली थी। ये बेसिकली बस स्टैंड है और बसेस, इनफैक्ट वो मेरी बस भी आ गई है सोल की 10:50 की सुबह की, और अभी 10:44 हुआ है तो 6 मिनट्स हाथ में है मेरे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे को टिकट पड़ी 21,600 won की, यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है लगभग 1,300 rupees, ठीक है। 4 hours की जर्नी रहेगी ग्योंगजू से सोल, और ये बस नॉर्मल बस है, एक स्लीपिंग बस भी रहती है, मतलब सीट थोड़ी रिक्लाइनिंग, जैसे मैं बुसान से आया था ना वैसी वाली बस। उसका रेट था 31,000 won, यानी कि 600 rupees और ज़्यादा आप कह सकते हो, 1,900-2,000 rupees, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी और ये मेरे को मिल गई। तो मैंने कहा कि ठीक है ना, 4 घंटे की बात है, ये ले लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ऐसे भी नॉर्मल बस भी यहाँ पे अच्छी रहती है। चलो तो फिर निकल ही जाते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना, लोग तो बैठ ही गए लगभग। सामान वामान, ये जो बड़ा बैग है वो डिक्की में डाल देता हूँ, ये छोटा बैग हाथ में ले लूँगा। बता दूँ कि हर 1.5 घंटे में बसेस मिल जाती है, और यहाँ से है ना ग्योंगजू से सोल का है एक, वहाँ पे एक बुसान का बोर्ड था और एक गिमहाओ करके एयरपोर्ट, नज़दीकी लोकल एयरपोर्ट रहेगा वो एक था। कहने का मतलब है काफ़ी शहरों के लिए बसेस मिल जाती है। डन, 12 नंबर की सीट है, विंडो, चलो बढ़िया है, विंडो मिल गई। तो अभी दोपहर के 12 बजे है, यानी कि आप कह सकते हो 1 घंटा 10 मिनट राइड पूरी हो चुकी है, और ग्योंगजू से हम आ चुके हैं गुमी, और यहाँ पे हॉल्ट रखा है सिर्फ 10 मिनट के लिए टू रिफ्रेश योरसेल्फ वगैरह, उसके बाद बैक टू निकल जाएगा सोल के लिए। Where I come from? I came from India. India. Yeah. Ah, yes. You know about India? Yes, of course. You like India? Yeah, I like India. Oh, what you know about India? I would like to go India one day. Yeah, sure. Maybe next year. Yeah, most anyway, welcome. But it's a very big country. Yeah. Also, it's not easy to make trip alone. Yeah, correct. So you must. So anyway, I like India. There is, I think, there is esprit, spiritual. Oh, spiritual. Yeah, correct. India is full of like spiritual country. Yeah. Okay. Nice. That's nice to meet you. सो इस वक्त थैंक यू सो इस वक्त हम आ चुके हैं गुमी करके, एक शहर है, छोटा सा गांव है, शहर भी नहीं है, रिफ्रेश होने के लिए। मतलब 1.25 घंटा बस की राइड हो चुकी है और अभी और 2.5 घंटा लगाएगी सोल पहुंचने के लिए, लगभग दोपहर के 3 बजे हम पहुंचेंगे। और इस तरफ कुछ रिफ्रेशमेंट की जगह है जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हो, कुछ नाश्ता वगैरह भी कर सकते हो। नो, आई एम अ ट्रैवलर बेसिकली, यूट्यूबर। लाइक 15 days. 15 days, yeah. And then you come back another country or come yeah back another I'll go to Singapore from here. Singapore, yeah. Yes, anyway, have a nice trip. Oh, thank you so much, you too. कुछ भी बोलो, हाँ स्टॉप्स तो अपने होते हैं इंडिया में, मतलब ढाबे वाबे ना ऐसा सब होता है ना, मज़ा आ जाता है। इधर तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये भी एक मेजर स्टॉप है बिकॉज काफ़ी सारी बसेस आप देख पा रहे हो खड़ी रहती है। मेरा बस नंबर है 4893 और कभी भी बस नंबर याद रखने का, बिकॉज दूसरे देशों में बिकॉज पता नहीं चलता ना कौन सी बसेस है, इंग्लिश में तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं रहता है, सिर्फ नंबर वंबर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप सही बस में चढ़ पाओ फिर टाइम सर।
तो लो जी गाइस, हम पहुंच गए सोल, और जर्नी टाइम की बात करो तो 3 घंटे 40 मिनट में पहुंचा लिया ये बस ने। तो ये जो टर्मिनल है ना, ये गंगनम इलाके में आता है, और यहाँ से अभी मेरे को वापस होंगडे जाना है, क्योंकि लिए वापस सेम हॉस्टल में रुक रहा हूँ जो पहले रुका था होंगडे में। तो यहाँ से मेट्रो वगैरह पकड़ूंगा, वापस वो हॉस्टल इसलिए बुक किया बिकॉज भले ही 2000 रुपया लग रहा है प्रति रात का, एक्सपेंसिव है, लेकिन किचन वगैरह सब इतना अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि उधर जाऊंगा, रोज चावल वावल बनाऊंगा, खाऊंगा और हेल्दी रहेगा जो भी चीजें है ना। और ये यहाँ पे शूट चल रहा है यूट्यूब के हिसाब से, बताओ यूट्यूब चैनल के लिए इतना प्रोफेशनलिज्म, ये कैमरा, ये एक बड़ा कैमरा, सही है यार, कौन है इसका, शक्ल तो देख लो। Is he a famous YouTuber? No, not YouTuber. Oh, so who is he? What's his name? Son Dong Pyo? Yes. He comes in television, like in web series? Singer. Ah, okay. Karne dete hum bhi inko, hai na, apna kaam. सुबह हॉस्टल में चेक इन वगैरह कर दिया था और निकल पड़े बाहर, और जैसे कि आपको पता है शाम के 5 बजे नहीं कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है, बस वही बात है कि 5 बजे नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया। एनीवेज, इस वीडियो में मैं अभी आपको ऐसी मॉल दिखाने वाला हूँ जहाँ पे दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी, एकदम एडवांस लाइब्रेरी है, उसके दर्शन करवाऊंगा, जिसका नाम है स्टारफील्ड लाइब्रेरी, ठीक है। और मेरे साथ में एक मोहतरमा है, शी इज फ्रॉम मेक्सिको, और व्हाट्स योर नेम? लिविया। लिडिया। लिडिया। लिया दिया, दोनों को कंबाइन करो तो लिडिया, ठीक है। तो हॉस्टल में थे तो साथ में ही प्लान बना, बिकॉज शी इज ऑल्सो गोइंग दैट गंगनम एरिया ओनली, मतलब गंगनम से थोड़ा ही आगे ही है कॉक्स मॉल जहाँ पे ये लाइब्रेरी है, तो हमने सोचा कि साथ में एक्सप्लोर करते। अभी मेट्रो स्टेशन आए हैं, यहाँ से 40 मिनट लगाएगी मेट्रो पहुँचने को वहाँ पे, फिर घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे और क्या है ना। ये हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे वन ऑफ द खूबसूरत लाइब्रेरी में इसका नाम आता है स्टारफील्ड लाइब्रेरी। अब आप देख लो कि क्यों आता है। यहाँ से व्यू अच्छा आएगा ऊपर से, आप देख सकते हो किताबों का क्या भंडार है, मतलब आप देख लो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा देख लो, और एक ही नहीं वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और मेरे पीछे भी सिर्फ किताबें ही किताबें हैं चारों तरफ। वाओ, कुछ अलग चीज़ है। ऐसी लाइब्रेरी कभी देखी है क्या? मैंने भी सिर्फ फोटोज़ वगैरह में देखी थी और मेरा माइंड ब्लो हो गया था फोटोज से, फिर मैंने सोचा एक बार तो यहाँ आना बनता है, तो बस इसीलिए प्लान बना दिया और सच में पूरा वसूल हो गया यहाँ पे आना, बिकॉज ये लाइब्रेरी सच में कमाल है। So students wants to study and then they keep their stuff here, सामान इधर ही रख दे, and then they go outside, you know, to explore the mall. Yeah. They can. Yeah, I mean. Also, I come here to study. Okay. And when I'm bored and I'm like stressed, I say, okay, I'm gonna go to see. Okay. I don't know. We're gonna go to Sara. So you are from Mexico, but you are in Seoul for how many months? Like just for 2 months? Yeah, I have here 2 months, but I wanna stay here. 5 more months. Achha, yeah. For crash course study of Korean language. Yeah, because I'm. करेक्ट। सो ये है मेक्सिको से, लेकिन यहाँ पे 6 महीना रुकेगी कोरिया में और 5 महीना रुकेगी टू स्टडी द कोरियन लैंग्वेज।
यहाँ पे ना लोग ऐसे ही सामान छोड़ के भी चले जाते बाहर घूमने, लाइक आधा घंटा फ्रेश होने, घूम फिर के आते हैं, कोई किसी का सामान टच भी नहीं करता. बड़ी शानदार लाइब्रेरी थी और हमने को एक स्मॉल से एग्जिट कर लिया है. मोहतरमा को कहीं और एक्सप्लोर करने जाना था, हमें कहीं और एक्सप्लोर करना है, तो हम अकेले निकल पड़े और अभी अकेले ही टूर करेंगे, आगे की चीज़ें देखेंगे जो और भी शानदार होने वाली है. ठीक है, ये पता है क्या है, पढ़ लो, वहाँ पे लिखा हुआ भी है गंगनम स्टाइल. गंगनम स्टाइल का वो पोस्ट था ना फेमस कोरिया का, 2012 का है शायद ये, उतना पुराना है और उस टाइम तो हर शादी ब्याह में हर पार्टी में बजता ओपन गंगनम स्टाइल. ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा है कि 2012 में रिलीज किया था यूट्यूब पे जुलाई में गंगनम स्टाइल, और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया था, तो उसी की वजह से ये बनाया गया है स्टाइल को, हैंड एक्शन को. बुसान ग्योंगजू में भी इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन वापस सोल आया और यहाँ पे इतनी फाडू ठंड है ना, पहले से भी ज़्यादा ठंड लग रही है सोल में. वो कॉक्स मॉल के नज़दीक में ही है, मतलब सामने साइड क्रॉस करके आने का, तो ये बोंग्युनसा करके टेंपल है जो कि बहुत फेमस है. अभी अंदर जाके देखते हैं इसकी खूबसूरती, इसकी रौनक को. हालांकि रात का समय हो चुका है, फिर भी ये प्यारा लगेगा बिकॉज टेंपल है, टेंपल तो हमेशा प्यारे होते हैं चाहे दिन हो या रात हो, है ना. कितना अद्भुत है ना, एकदम वाइट कलर का, ग्रे आप बोल सकते हो, ऑफ वाइट कलर है, लेकिन चारों तरफ ऐसी मूर्तियां है और बीच में बौद्ध भगवान की स्टैंडिंग प्रतिमा. ये गंगनम एरिया में पहली दफ़ा आया हूँ, इसके पहले कभी आया नहीं था. आई मीन जब सोल में शुरुआत में था उस टाइम मैं आया नहीं था. गंगनम पता था कि मस्ट विजिट प्लेस है बिकॉज यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ का नाइट लाइफ का ये पंगा है कि कोरियंस को ही अलाउ करते हैं क्लब्स, फॉरेनर, चाहे आप US से हो, लंदन से हो, इंडिया से हो, मतलब कोई भी देश से हो, फ़र्क नहीं पड़ता. फॉरेनर्स 99% क्लब्स में अलाउड नहीं है, ये पूरे इलाके में सिर्फ कोरियंस लोग ही जा सकते हैं, तो हम तो यहाँ पे नाइट लाइफ जा नहीं सकते. अदरवाइज़ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एकदम टाइम स्क्वायर की तरह है न्यूयॉर्क का, या फिर बड़ी बड़ी इमारतें जा रहती है ना, बस वही बात है. महंगा है सोल का, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है ये गंगनम. BTS का घर एक वी करके है ना, BTS, बस उधर ही वो बिल्डिंग है, एप्पल डाउन करके ऐसा कुछ नाम है बिल्डिंग का, तो नज़दीक ही है जहाँ पे बहुत सारे शूट भी करते हैं वो लोग. वो BTS का कोई तो मेंबर है ना वी नाम का, उसका वही बिल्डिंग है पीछे साइड, एप्पल पॉन के ऐसा कुछ तो नाम है, नीचे लिख देता हूँ मैं, मेरे को तो नाम वाम ध्यान नहीं रहता है. ऐसे भी बिल्डिंग का नाम करके क्या ही करना, और उधर जाके क्या ही दिखाओ कि ये देखो वी इधर रहता है. इससे बड़ा आदमी मैं मानता हूँ शाहरुख खान वगैरह है, मन्नत वगैरह ना दिखाओ बैंड्रा में जाके. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. ग्योंगजू से मैंने जो टूर करी बस में सोल आने की, फिर सोल में थोड़ा बहुत आपको घुमाया फिराया, मज़े कराए, है ना. उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप बने रहोगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लव यू ऑल, और उम्मीद करता हूँ आपको कोरिया सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है ना.